मॉनसून सत्र के पहले दिन सदन में जमकर हंगामा हुआ, जहां सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने सरकार को आदिवासी दिवस को लेकर घेरना शुरू किया। वहीं सदन में श्रद्धांजलि सभा के दौरान हुए इस हंगामे के लिए बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस विधायकों को जिम्मेदार ठहराते हुए जमकर निशाना साधा। देखिए ये रिपोर्ट। देखो, इस तरह इन कहने के पीछे तात्पर्य यह था कि वो भी लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं। वो बार बार अपने आप को लंबा संसदीय इतिहास की बात करते हैं। अब संसदीय इतिहास आपका लंबा है तो क्या आपको संसदीय परंपराओं का पालन नहीं करना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि लंबा इतिहास है तो आपको कोई विशेषाधिकार या प्रिविलेज हो गया। आप श्रद्धांजलि पे भी राजनीति करोगे? जब अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दे दी कि इसके बाद आप बोल लेना श्रद्धांजलि के बाद, क्या 2 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे? 10 मिनट बाद नहीं बोल सकते थे? सदन आखिर नियम प्रक्रिया से चलता है, परंपराओं से चलता है। क्या ये परंपरा है कभी? क्या ये नियम है कभी या था कभी? पता नहीं क्या हो गया है, 1 लाख से ऊपर मर गए, कभी कब्रिस्तान में मुर्दों से बात करते हैं। क्या जनहित का मुद्दे के लिए हंगामा नहीं कर सकते? क्या सदन में सार्थक चर्चा नहीं की जा सकती इसी विषय को लेकर? की जा सकती है, लेकिन चर्चा से क्यों भागती है कांग्रेस? क्योंकि इनके पास अब डिबेट करने वाला ही नहीं बचा सदन में कोई, अन्यथा डिबेट करें। चर्चा क्यों नहीं कर रहे? आज वर्तमान में, आज की तारीख में, एक हमारे उत्तरी भाग में बाढ़ से तबाही है। बाढ़ पर चर्चा नहीं, बाढ़ पर हंगामा नहीं। क्या वहां जनजाति के लोग प्रभावित नहीं हुए? क्या बाकी के लोग वहां प्रभावित नहीं हुए? लेकिन कोई भी जनहित से जुड़ा मुद्दा आपको कभी उठाते ही नहीं मिलेंगे। ये मेरा ये आरोप है और मैं मुख्यमंत्री जी की बात का समर्थन करता हूं। विधानसभा के माध्यम से दी जा रही थी, उस समय कुछ लोग जबरन श्रद्धांजलि को छोड़कर श्रद्धांजलि का विरोध कर रहे थे। मैं ऐसे कृत्यों के लिए कांग्रेस पार्टी का निंदा करता हूं। एक बात साफ है, जब जब आदिवासी भाई जिस पार्टी के साथ रहते हैं उसकी सरकार बनती है, अगले बार 30 विधायक कांग्रेस के शासन में जीते थे और मात्र एक जो डिंडौरी के विधायक थे ओंकार मरकाम, उसको मंत्रिमंडल में लिया। आदिवासियों का हमेशा उपेक्षा किया है भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ने, और यही कारण था कि त्रसित होकर मैंने खुद कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया, आज भारतीय जनता पार्टी में आया। तो की बात है तो जो काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब की अगुवाई में जो काम हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए हुआ है, शायद कांग्रेस कभी 50 साल में भी उनने नहीं किया है। और आज श्रद्धांजलि के नाम पर कैसी विधानसभा में कैसी राजनीति खेली जा रही थी आप सबने भी देखा होगा, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 15 नवंबर को आदिवासी गौरव जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो आपको अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। और देखिए, हर एक योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए दी हुई है, जो उनकी आवश्यकता अनुसार उनकी पात्रता अनुसार हमारे भाई बहनों को मिल रहा है। आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार तो 50 सालों में रही, पर हमारे आदिवासी भाई बहनों को पट्टा क्यों नहीं दिए? क्योंकि इनकी नीयत में खोट थी। आज 3.5 लाख पट्टे हमारे जो वनवासी भाई जो जंगल की जमीन में जो काबिज थे उनको हमारी सरकार ने देने का काम किया है, और 2008 से चालू है और अभी तक हम 3.5 लाख पट्टे दे चुके हैं और अभी भी देने का काम लगातार चालू है। कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनकी नियत में हमेशा से खोट रही है आदिवासियों के प्रति, और इसलिए आदिवासी क्योंकि आदिवासी भाई बहनों के लिए कभी कांग्रेस ने काम ही नहीं किया। आज जो कुछ भी काम हुए हैं हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने किया है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ। और जो कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष ने जो विधानसभा में जो श्रद्धांजलि के नाम पर जो उन्होंने जो बात कही उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। बिरसा मुंडा जी जिनके नाम पर जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाएगा, पूरे आदिवासी संस्कृति संस्कार और उनके रीति रिवाज परंपरा और आदर्शों को सामने रखते हुए बड़े गौरवपूर्ण तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में हम मनाएंगे। ये केवल आंसू बहाने से
कुछ काम चलने वाला नहीं है। मैं घोर निंदा करता हूं कि कमलनाथ जी ने जिस तरीके से आज यहां पर आदिवासी के नाम पर राजनीति करने का प्रयास किया। मध्य प्रदेश की हमारी भाजपा की सरकार, शिवराज जी की सरकार आज भी कायम है और हम चौराहे पर भाषण देने को तैयार हैं, परिचर्चा करने को तैयार है, वाद विवाद करने को तैयार है कि हमारी सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या किया और तुम्हारी सरकार ने आदिवासियों को क्या किया। कमलनाथ जी आ जाए, मैं चर्चा को तैयार हूँ। बहुत बहुत नहीं, देखिए इस तरह उन्होंने कहाँ बताया, वो लोग जिन्होंने मध्य प्रदेश और देश के में सामाजिक कार्यों में विशिष्ट स्थान रखा उनको श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो क्या कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं को इस पर आपत्ति थी? वे लोग जिन्होंने मध्य प्रदेश और देश की राजनीति को उच्च स्थान तक पहुंचाया, क्या सदन उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा था तो कमलनाथ जी को उस पर आपत्ति थी? ऐसे लोग जिन्होंने चाहे बहुगुणा जी हों, चाहे मिल्खा सिंह जी हों, जिन्होंने विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों में अपना काम किया, देश का मान और सम्मान बढ़ाया, यदि उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो क्या उन्हें इस बात की आपत्ति थी? कलावती भूरिया और सोलंकी जी जैसे अनेक आदिवासी नेताओं को यदि श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो कमलनाथ जी को इस पर आपत्ति थी? वो अपनी बात रखते, ये लोकतंत्र का मंदिर है, यहाँ हर सदन के सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार है, परंतु परंपराएं हैं, इसकी गौरवशाली इतिहास रहा है, उस इतिहास को यदि कमलनाथ जी आकर तार तार करेंगे तो ये शर्मनाक है। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने स्वीकार भी कर लिया कि उन्हें विधानसभा का अनुभव नहीं है, और ये बात उन्होंने अपने व्यवहार से प्रदर्शित भी की है, परिलक्षित भी होती है। भारतीय जनता पार्टी को कोई दिवस पर कोई आपत्ति नहीं है, हम ही हैं जो भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाकर उनकी आराधना करते हैं और कहते हैं कि आदिवासी के जनक हैं, भारत की स्वतंत्रता के अग्रदूत हैं, हम ही हैं जो माँ सबरी का मंदिर बनाकर कहते हैं कि धन्य है माँ सबरी उस युग में जहाँ राम का जन्म हुआ हो, जब राम ने कौशल्या के जूठा बेर खाया है कि नहीं, पर सबरी माँ के वेर का उल्लेख होता है। आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के दिल में है, विचार में है, मन में है, हम श्रद्धा से उनको प्रणाम करते हैं, उनको हर चीज की शुभकामनाएं बधाई देते हैं, उनके कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी जी से लेकर शिवराज जी तक लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनका कल्याण के लिए तमाम योजना बना रहे और महापुरुषों की प्रतिमा भी लगा रहे।